बुंदेलखंड के साथियों से कहना चाहता हूँ, खासतौर से मैं समाजवादी साथियों से निवेदन करूँगा कि इस महामारी के इस दौर में आपको अपनी अहम भूमिका तय करनी है। जहाँ तक सवाल इसके बचाव का है, तो उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर सभी लोगों ने निवेदन किया है कि आपको सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, घर में रहना है, और घर से बाहर निकलने के पहले सोचना है कि हो सकता है आपका बाहर से निकलना कितना खतरनाक हो सकता है। वहीं मेरी दूसरी प्रार्थना ये है कि हम लोगों ने अभी जो कोशिश की थी उसमें राशन पहुंचाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश की, फिर हम लोगों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर, उसके बाद हम लोगों ने खाने के पैकेट भेजकर कोशिश की है। अब एक कोशिश और करनी है, क्योंकि आज लगभग इस बीमारी को हुए पूरे दुनिया में फैले लगभग 100 दिन होने जा रहे हैं। ये COVID-19 है, December 2019 से शुरू हुआ, और 100 दिनों के भीतर ये दुनिया के जिन देशों में जिस तरह से फैला है, जिस तरह से आज का ही अगर फिगर हम लें तो अमेरिका में लगभग 1900 से ज़्यादा लोगों की जान गई है एक दिन में, तो ये बहुत बड़ी महामारी है जिसको वो बड़े देश नहीं रोक पा रहे जिनके पास स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हैं हमसे। तब हमें सबसे पहली ज़रूरत है कि हम इस बीमारी को ढूंढें। अब हमारे बचाने के रास्ते के साथ साथ हमें ढूंढना ज़रूरी है कि यदि गाँव में कोई पीड़ित है, जो जो जिस तरह की परिस्थितियां बताई जाती इस बीमारी में, अगर उस तरह का कोई भी आदमी दिख रहा है तो तुरंत उसको उसको उसका प्रिकॉशन में लें, उसको साथ उसको लेकर कहीं एक ऐसी जगह गांव में खुद निर्धारित करें। मैं तो गांव गांव निवेदन करना चाहता हूं कि अपने गांव में एक जगह सुरक्षित बनाओ कि उस बीमारी से संबंधित लक्षण दिखाई देने वाले आदमी को कम से कम उस जगह रख के उसकी देखभाल कर सकें। हो सकता है कि कोरोना ना हो, पर हो तो कम से कम और लोग, उसके परिवार के लोग बच सकें, गांव के लोगों की जान बच सके। इस कोशिश में हमें भागीदार बनना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सीमित समय है, क्योंकि एक एक दिन जिस तरह से इस बीमारी का जो फैलाव है बड़ा खतरनाक है, तब मैं कह सकता हूं, क्योंकि हमारे पास डायग्नोस का सिस्टम बहुत कमज़ोर है। आज भी हम उन देशों की तुलना करें जितनी जिन देशों में बीमारी फैली है, जितने लोग प्रतिदिन वहाँ जाँच करा रहे हैं, यहाँ उतनी पूरी जाँच नहीं हो पाई है। तब मैं कह सकता हूँ इसमें आपके योगदान की बड़ी भागीदारी की ज़रूरत है, आपको इसमें योगदान करना है। अब इसको हमारी सोच ये है कि जिस तरह की सरकार व्यवस्थाएं कर रही हैं उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हम। हमें उसको आगे बढ़ाना है, और हमें अपने गांव में उस बीमारी से ग्रसित लोग यदि कोई है तो उसको पहचानना पड़ेगा और तत्काल उसको डायग्नोस की तरफ भेजना पड़ेगा या उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। इसमें आप अपनी अहम भूमिका अदा करें। मुझे पूरा भरोसा है यदि इसमें आपने योगदान कर दिया तो हम कोरोना से इस देश को बचा ले जाएंगे।